कोरोना वायरस की महामारी से परेशान व्यापारियों को लॉकडाउन के 75 दिन बाद एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कारोबार करने के लिए राहत मिली है। गुलबर्गा शहर के सुपरमार्केट में कपड़ा बाजार, चप्पल बाजार, किराना बाजार और तरकारी मार्केट के व्यापारियों से हमने बात कर मौजूदा हालात को जानने की कोशिश की है। व्यापारियों ने लॉकडाउन की वजह से आई परेशानियों को बयां करते हुए फिलहाल किस तरह कारोबार शुरू किया गया है तमाम तफसीलात बताई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दुकानदार एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके बावजूद सड़कों पर भीड़ की शक्ल में घूम रहे लोगों में हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मास्क और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, आज भी कोरोना वायरस हमारे बीच मौजूद है। आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं, अपने लिए ना सही अपने माँ बाप और बच्चों के लिए आप जब भी बाजार जाएं तो सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का जरूर ख्याल रखें। लॉकडाउन के बाद देखो साहब, आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा गरीब लोगों को, क्योंकि कारोबार नहीं है। कारोबार रहे तो सब कुछ है, अब दो तीन महीने से वहाँ कारोबार नहीं, बहुत परेशान है। अभी कारोबार जो भी लॉकडाउन खुला बोल के मेरा सब जने जो है ना जीरे समझे। हर दुकान में सैनिटाइजर होना और कंपलसरी मास्क कंपलसरी, दुकान में चाहे सेल्समैन हो चाहे कोई भी हो, मास्क कंपलसरी कर दिए हैं। और कस्टमर जो भी आता है, मास्क रहा तो उसको अलाउ करने के लिए हमको परमिशन दिया गया है, और मास्क नहीं रहा तो उसको अलाउ करने का हमको इजाज़त नहीं है एडमिशन तरफ। माह रमज़ान जैसे गुजरा है, खासतौर हमारा एक बड़ा सीज़न रहता है माह रमज़ान में। अब उसके बाद देखा जाए तो अभी तो हालत ठीक नहीं है। जिस तरीके से जाए हमारा तकरीबन माल आता है गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद से, अब तकरीबन ट्रांसपोर्ट बंद है। तो अभी उसके बावजूद भी हम जिस तरीके से अपना पास जो जो स्टॉक है हम काम कर रहे हैं, देखेंगे अभी आगे अल्लाह जो चाहे मर्जी इंशाल्लाह फिर क्या होता है देखेंगे उसके ऊपर। ये लॉकडाउन आदि एरूवरे तिंग आती रही सर, पेमेंट आगल पार्टी को पेमेंट को गिरेकित भी किरे बाड़ी दुकान बाड़ी बेड़ी नमुग भाड़ परेशान आगे मत गिरेकी चालू आद बड़का माल सप्लै आगल कंपनी कड़ू ಮತ್ತಂದರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ರೇಟ್ಗಳು ಅದರಪ್ಪಲೆ ಮೊದಲಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಮತ್ತೇನದ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ದುಕಾನ, ಬಾಡಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಆಗ್ಬೇಕ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಅಭಿ ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉತ್ತ ಗಿರಾಕ ನೀ ಥೋಡ ಕಮ್ಮಿ ಹೇ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿ ಬಂದ್ ಹೇ, ಫಿಲ್ ವಕ್ತ ಬಂದ್ ಹೇ, ಅಭಿ ತು ಮಾಲ್ ನೀ ಆ ರಾ, ಅಭಿ ಜಾನಾ ಹೋತಾ ಅಭಿ ಏಕ ಮಹಿನಾ महीने के बाद चालू होता कारोबार। अभी रमज़ान गया, उगाद गया और वैशाख, कितना बड़ा बड़े बड़े ये गए, शादी का सीज़न तो फुल गया, कुछ भी नहीं है शादी का सीज़न। और लोगों आने जाने वाले का तकलीफ हुआ, सब ट्रेन भी बंद है, बसा बंद है, इस वजह से बहुत तकलीफ है। ऐसा है 76 दिन से जो है 76 डेज से जो है हमारे कारोबार वाक है, और उन दिनों में जो तकलीफें हुए हैं उसका तो कोई अंदाज़ा आपको बता नहीं सकेगा। इसलिए कि अल्लाह की ही मदद बंदों से हुई, जिसकी वजह से हम आज तक जो ज़िंदा नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह की वजह से है। कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का हमको टाइम दिया गया है, और उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन हमको बताया गया है कि सैनिटाइज़र लगाना है और मास्क यूज़ करना है। और दूसरी बात क्या है, हमारे पास जो ट्रायल रूम्स हैं वो ट्रायल्स रूम को जो है हम यूज़ करने अभी फिल नहीं दे रहे हैं, ये हमारे पास ताकीद भी की गई है। हम भी ग्राहक को उसी अंदाज से जो है सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात तो अभी ट्रांसपोर्टरों से माल वगैरह आना करना उसके लिए तो टाइम जाएगा शायद, क्योंकि ये आज दूसरा दिन है बाज़ार चालू होकर, और लोग भी जो है कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से रुक गए थे, शायद कोई और मामला था है तो इंशाल्लाह। और जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे भी हम इस्तेमाल करेंगे हर एक चीज़ की बात। तो कल से तो चालू कर दिए, सुबह में 10 बजे से शाम में 6 बजे तक कर रहे, तो भी पब्लिक आ रहा सब, थोड़ा सोशल डिस्टेंस करो बोल के हम भी बोल रहे क्या लोगों को, सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क कंपलसरी पहनो बोल के बोल रहे। अभी फ़िलहाल तो बाज़ार में पब्लिक आ रहा सब, थोड़ा बहुत आ रहा, थोड़ा बहुत है सब चल रहा है, चना फुटाना सुरमरे का होलसेल रिटेल दोनों। जब से ये लॉकडाउन पड़ा है
तकरीबन 3 महीने ये तरकारी मार्केट बंद रही है। बहुत से कोशिशों के बाद, बहुत से मुश्किलों के बाद ये 3 माह के बाद ये तरकारी मार्केट खुली है। तरकारी मार्केट खुलने के बाद यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है और तमाम बैरिकेड लगाकर, अपने पैसों से खुद खर्चा करके बैरिकेड लगाकर ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। बाहर जो है ना सैनिटाइजेशन की मशीन भी लगाए हैं और हम तमाम ग्राहकों से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो मास्क पहनकर ही तरकारी मार्केट के अंदर आएं। ये लॉकडाउन यह एक प्राकृतिक विपदा थी जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैली हुई थी और हिंदुस्तान ने इसको जिस तरह से कंट्रोल किया है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन इस परमिशन के अंदर हमको जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसको पूरा पूरा हमको पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज हम जो दुकानें खोल के बैठे हैं हो सकता है 2 दिन में फिर हमको दुकान बंद करने की नौबत ना आ जाए। सीधे गाइडलाइंस के अंदर आपको सभी को मालूम है, फिर भी आपको बहुत ज़रूरी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कंपलसरी आप अपने ग्राहक को भी मास्क पहनने के लिए मजबूर करना ही है और आपके जितने भी स्टाफ दुकान में होते हैं उन सभी को भी कंपलसरी मास्क पहने बैठना ही है। इसके साथ साथ जो भी ग्राहक आपके दुकान में आते हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइजर के थ्रू उनके दोनों हाथ धुलाइए, जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल स्वच्छता के साथ उनको दुकान के अंदर बुलाइए। यह हमारा किराना मार्केट से बात कर रहे हैं, तरकारी मार्केट से, सुपर मार्केट गुलबर्गा। पिछले 2 महीने से तो कारोबार बंद था, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार चालू होने के रुझान की तरफ बढ़ गया है। इंशाल्लाह जो भी कस्टमर आ रहे हैं हम उनको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, सैनिटाइज़र आप यूज़ करिए और मास्क भी कंपलसरी लगा लीजिए। जो ये चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको हम किराना सामान हो या तरकारी हो देने के लिए ज़रा मुश्किल उनको पेश आ रही है और हम देने को भी जो है ना एतराज़ कर रहे हैं। लिहाजा हम आपसे पूरी आवाम से गुजारिश करते हैं कि सैनिटाइज़र और मास्क कंपलसरी यूज़ कर लीजिए। आज तक हमने ये सोचा था, कोई किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा इस दौरान में लॉकडाउन COVID-19 की वजह से लॉकडाउन हो जाएगा, सारा कारोबार बंद पड़ जाएगा, हर कोई परेशान में हाल में है। 2 महीने हमारे को भी तकलीफ में उठाना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 2 दिन से मार्केट चाल खुल गया है। डीसी साहब, कमिश्नर साहब ने परमिशन दे दिया है तो अल्लाह के फजल से 2 दिन से चालू है। तो एहतियात करते जा रहे हैं, सैनिटाइज़र का, मास्क का, और इंशाल्लाह आइंदा भी पूरा 2020 एंड तक सैनिटाइज का और मास्क का एहतियात करते जाएंगे। लॉकडाउन चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा ग्राहक आ रहा है और मास्क लगा कर ही अंदर ले रहे हैं हम, और बगैर मास्क के जो है ना सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करने के बाद ही ग्राहक कर रहे हैं हम, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक छोटी दुकान रहे तो एक ग्राहक बुला रहे, बड़ी दुकान रहे तो एक के बाद एक बुला रहे और सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद ही ये कर रहे। कोरोना वायरस की वजह से हमारी दुकान काफ़ी बंद थे, 2-3 महीने से हम बंद किए गए थे, बहुत परेशान हो गए हम लोग, और लेकिन इसके वजह से हमें बहुत तकलीफ़ हुई। अब ऐसा दिखता है कि हमें पहले एक कोरोना वायरस का पेशेंट था, अब कईयों कोरोना वायरस के पेशेंट है, इसीलिए अब हमको 2-3 महीने के बाद खोलने का मौका मिला गया है दुकाना, और हम सैनिटाइजर कर रहे हैं ग्राहक को भी और एक ग्राहक को ले रहे हैं दुकान में। हर शॉप में सैनिटाइज़र बाहर रखे हैं, सैनिटाइज़र कस्टमर को डालते हुए फिर कस्टमर के पास मास्क है क्या नहीं देखते हुए ग्राहक कर रहे हैं। तमाम मार्केट के लोग, कपड़ा मार्केट हो, तरकारी मार्केट हो, चप्पल दुकान हो, किराना स्टोर हो, मैं कई सारे शॉप को गया तो वहाँ पर मुझे ये देखने मिला के सैनिटाइज़र कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा भी तकरीबन 2.5 महीने के बाद शॉप्स ओपन होने के बाद आज ये देखने मिला कि बहुत ज़्यादा मार्केट में पब्लिक थी, तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा एज के हैं 50 अबव वो लोग मार्केट पर ना आए और जो छोटे बच्चे हैं उनको घरों से मार्केट को ना लाए। ये देखते हुए आपकी शॉपिंग करिए, तमाम दुकानें खोलने का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, और ऐसा भी नहीं है कि कोरोना इंडिया से चला गया या वर्ल्ड से चला गया, कोरोना अभी है। हमें तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए बाज़ार को आना है और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए हमें अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हुए अपने घर को उसी तरीके से ऑफिस चले जाना है।